of its zeros respectively. So basically हमें sum और product given है, which means ये जो है ये आपका minus b upon a है, जो कि 1 upon a इस तरीके से 1 upon 4 करके हम लिखेंगे, और ये जो है ये आपका c upon a है जो कि आपका minus 1 है. और आपको क्या बनाना है, आपको quadratic equation बनानी है इस तरीके से. तो स्टूडेंट इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो आपका a है वो सेम होना चाहिए. यहाँ पर आपका a कितना है 4 और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो a कितना है 1. तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले डिजिट में, ठीक है, इसमें c अपॉन a में जो कि माइनस 1 अपॉन 1 है, इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि जो इनका डिनोमिनेटर है, जो इनका 4 है, या हम बोल सकते हैं जो इनका a है वो सेम हो जाए. तो यहाँ पर a कितना हो गया है 4, और इधर भी कितना था 4. b कितना होगा, b का आपने अपोजिट साइन लेना है हमेशा. मैं आपको बताती हूँ क्यों, क्योंकि माइनस बी, बी के साथ ऑलवेज माइनस लगा होता है, तो डेफिनेटली इस डिजिट के साथ भी माइनस होगा, तभी तो माइनस माइनस क्या आया प्लस 1 आया ना, इसीलिए आप बी के साथ हमेशा क्या लोगे अपोजिट साइन. अगर ये प्लस है तो माइनस, और माइनस होगा तो आप क्या लोगे प्लस. अब सी कितना है आपका माइनस 1 यहां से. अब इसको आपने इक्वेशन में बिठाना है, ए की जगह लिखो 4, उसके साथ एक्स स्क्वायर, कूल. फिर क्या आपका बी, और बी आपका है माइनस 1 इंटू एक्स प्लस सी, सी आपका माइनस में है, और इस तरीके से आपकी पहली इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी. सो स्टूडेंट इसके सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं. क्या दे रखा है, रूट 2, विच मीन्स हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमें क्या दे रखा है माइनस बी अपॉन ए, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे क्या होगा 1. ओके, नेक्स्ट हमें दे रखा है 1 अपॉन 3, इसका क्या होगा सी अपॉन ए. अब देखो इधर ए कितना है 1 और इधर ए कितना है 3, तो हमें इस वाले डिजिट में मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा किससे, बिल्कुल सही 3 से. क्यों, ताकि ये 3 है तो ये भी क्या हो जाए 3 हो जाए. तो हम जब भी मल्टीप्लाई कराते हैं ऊपर कराएंगे और नीचे कराएंगे, डन. सो ये आएगा 3 अपॉन रूट 2 अपॉन 3 माइनस बी अपॉन ए, और यहां पर ए कितना है 3, तो दोनों तरफ सेम हो गए. ए को सेम बनाना होता है सिर्फ, ठीक है, ए सेम होना चाहिए, हमने कर दिया. अब हम इक्वेशन में रखेंगे, यहां पर ए कितना है आपका, ए आया था 3 एक्स स्क्वायर प्लस बी कितना है, मैंने आपको बताया पिछली क्लास में भी, जो इससे पिछले वाला क्वेश्चन था, कि जब भी प्लस दे रखा है तो हमने अपोजिट साइन लेना है. यहां लेंगे माइनस 3 अपॉन 2, और आपका एक्स भी लगेगा इसके साथ, और सी कितना है, सी है आपका 1, और इस तरीके से ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी. इज दैट क्लियर. थर्ड पार्ट करते हैं, 0 रूट 5. अगेन 0 जो है वो हमारा क्या होगा बी अपॉन ए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, और ये रूट 5 क्या है हमारा सी, सॉरी ये माइनस बी अपॉन ए है, ये आपका सी अपॉन ए कुछ नहीं है, तो ए कितना होगा 1. इस क्वेश्चन में एक बहुत अच्छी बात है कि जो हमारा ए है वो ऑलरेडी सेम दे रखा है, तो इक्वेशन बहुत क्विकली बन जाएगी. हम लिखेंगे ए की जगह 1 और उसके साथ है एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे बी, बी कितना है आपका 0 एक्स, और सी कितना है आपका रूट 5 इज इक्वल्स टू 0, और ये आपकी इक्वेशन होगी. आपको 0 इंटू एक्स करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर जल्दी से बताओ, ये आएगा 0, जो कि लिखना या ना लिखना एक ही बात है, मत लिखो, और आप लिखोगे रूट 5 इज इक्वल्स टू. सो फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो ये आएगा. इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो आपने ए की जगह ए लिख दिया, बी की जगह आपने बी की वैल्यू डाल दी, और सी की जगह आपने सी की वैल्यू डाल दी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 1, 1. अगेन ये हमें माइनस बी अपॉन ए दे रखा है और सी अपॉन ए दे रखा है, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे क्या होगा 1.
तो अगेन ए आपके सेम है, तो ए की जगह आप क्या लिखोगे इस वाली इक्वेशन में, वन, और उसके साथ क्या है एक्स स्क्वायर। डन। बी कितना है आपका, वन। मैंने आपको बताया था आप हमेशा अपोजिट साइड प्लस है तो क्या लेंगे यहाँ पर, माइनस वन और उसके साथ एक्स। और सी कितना दे रखा है आपका, वन। तो आपकी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, माइनस वन अपॉइंट फोर कॉमा वन अपॉइंट फोर। तो हम इसको लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए माइनस वन अपॉइंट फोर, और सी अपॉन ए आपका क्या होगा वन अपॉइंट फोर। डन। तो यहाँ पर आपके सेम है ए, तो हमें इसमें मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे फोर एक्स स्क्वायर फिर प्लस बी, हमेशा अपोजिट साइड, अगर माइनस है तो यहाँ क्या लेंगे प्लस वन एक्स, और सी कितना है आपका वन, और ये जो है आपकी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी। सो लास्ट पार्ट कर लेते हैं, अगेन इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा वन होगा। ये आपका क्या है माइनस बी अपॉन ए विच इज फोर अपॉन वन, और सी अपॉन ए क्या होगा आपका वन अपॉन वन। अब आप क्या करेंगे, अब आप इक्वेशन लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, राइट। सो मुझे आप बताइए कि आपका ए कितना है वन एक्स स्क्वायर, बी हमेशा अपोजिट साइन लेंगे, क्यों लेंगे मैंने आपको रीजन बताया था, तो यहाँ आएगा माइनस फोर एक्स, और सी क्या है आपका वन। सो आपकी इक्वेशन क्या बनी एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। सो ये क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होता है, थैंक यू। सो स्टूडेंट्स नाउ यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ट्विटर टेलीग्राम एंड फेसबुक, और अगर आप मेरे चैनल के नोट्स पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर लीजिए। ज़्यादा डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और लिंक को फॉलो कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं डेफिनेटली इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।